हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एन एम डी जूनियर ऑफिसर की जो अभी वैकेंसी निकली है उसका मैं आपसे मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा आज के हमारे वीडियो के सिलेबस में जो आपका एन का सिलेबस अगर आपने डिस्कस किया है आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें थर्मोडानेमिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है तो द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमोस्फेयरिक प्रेशर यानी कि एटमोस्फेयरिक प्रेशर पर लेटे हीट स्टीम का कितना होता है वन फाइव थ्री फाइव किलोजूल पर किलोग्राम वन एट सेवन फाइव किलोजूल पर किलोग्राम डबल टू फाइव सेवन किलो जूल पर किलोग्राम या फिर टू सिक्स एट फाइव किलो जूल पर किलोग्राम तो चलिए अब सबसे पहले हम इसको जो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है इसमें लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं तो जब कभी भी आप टेम्परेचर और टाइम के कॉन्सटेंट में जब आप कर्व बनाएंगे तो जब कभी भी आपका लिक्विड का फेस चेंज होगा यानी कि लिक्विड से जब वो आपका आइस के फॉर्म में आएगा या फिर स्टीम के फॉर्म में आएगा तो जब कभी भी उसका स्टेट चेंज होगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं तो उस टेम्परेचर उस पॉइंट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं उस समय जो हीट जनरेट होता है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं और वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है डबल टू फाइव सेवन किलोजूल पर किलोग्राम सी आपका करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफिशियंसी ऑफ एरेशन साइकिल इज

टू कॉन्टेंटेंट वॉल्यूम एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस टू आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस टू कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वन कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल में कितने में प्रोसेस होते हैं तो टोटल चार होता है ठीक है तो इन चार में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे कार्नोट साइकिल का, का कौन सा है इन चारों में तो देखिए ये आपका वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वन कॉन्स्टेंट प्रेशर और टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो है ये आपका डीजल इंजन के लिए हो गया टू कांस्टेंट प्रेशर एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक आपका रैंकाइन साइकिल के लिए हो गया टू कांस्टेंट वॉल्यूम और टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक ये आपका पेट्रोल साइकिल या फिर ऐसा SI इंजन में जो यूज करते हैं उसके लिए हो गया तो बचा क्या आपका टू आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक ये किसके लिए है तो ये आपका कार्नोट साइकिल के लिए है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज अपलीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस बॉयल्स ला चार्ल्स ला गेल उषाकला या फिर ऑल ऑफ द अबव तो देखिए कोई भी परफेक्ट गैस का जब कभी भी हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हमको ये तीनों ही लॉ के बारे में पता होना चाहिए तो ऑल ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बॉयल्स लॉ के बारे में बात हो रही है तो इसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में क्या होता है तो आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है और गेल उषाकला में क्या होता है तो आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है तो ये तीनों आपका राइट right आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले ये देखिए आपका रियल गैस और आइडियल गैस में डिफ्रेंशिएट दिया है आप इसको चाहिए तो स्क्रीन भी ले सकते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल मे बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द हाइस्ट टेम्परेचर डिक्रीजिंग द हाईस्ट टेम्परेचर इंक्रीजिंग द लोएस्ट टेम्परेचर या फिर डिक्रीजिंग द लोएस्ट टेम्परेचर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है तो इसको कर्व के थ्रू हम समझते हैं तो देखिए जब कभी आपका कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये क्या होता है आपका टी वन माइनस टी टू बटे टी वन इन हंड्रेड हंड्रेड आपका परसेंटेज के लिए दिया है तो इसको आप हटा दीजिए टीवन मतलब हाइएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर बटे ए हाइएस्ट तो इसमें आप जब कभी भी आप लोवेस्ट टेम्परेचर को जितना ज्यादा कम कर देंगे आपका इफिशियंसी जो है वो उतना ज्यादा राइज हो जाएगा तो डिक्रीजिंग द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द लोकस ऑफ अ स्टैंडर्ड लिक्विड लाइन एंड अ स्टैंडर्ड वेपर लाइन मीट्स एट बॉइलिंग पॉइंट आइस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट या फिर आपका ट्रिपल पॉइंट तो देखिए स्टैंडर्ड लिक्विड लाइन और स्टैंडर्ड वेपर लाइन ये दोनों लिक्विड लाइन और वेपर लाइन कहाँ पर मिलते हैं तो ये दोनों मिलते हैं आपका क्रिटिकल पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर है तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है ये आपका लिक्विड वाला लाइन है और इधर जो है आपका ये आपका गैसेस वाला फॉर्म है ठीक है गैसेस फेज है तो ये दोनों जब लिक्विड और गैसेस एक लोकेशन पर मिलते हैं लिक्विड और वेपर तो उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तक थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज़ 15 परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट या फिर 70 परसेंट तो पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है तो पेट्रोल इंजन में बेसिकली चार प्रोसेस होता है या पहला है आपका सक्शन दूसरा है आपका कंप्रेशन तीसरा है आपका पावर या फिर एक्सपांशन और लास्ट है आपका एग्जॉस्ट ठीक है तो इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है पावर स्ट्रोक यानी कि जिसको हम एक्सपांशन स्ट्रोक बोलते हैं यहीं पे आपका पावर जनरेट होता है और यहीं से आपका थर्मल इफिशियंसी भी डिसाइड होती है तो पेट्रोल इंजन की जो थर्मल इफिशंसी होती है वो कितनी होती है तो वो थर्टी होती है और जब कभी भी आपका पेट्रोल की जगह डीजल इंजन की बात करें तो वो होगा आपका सेवेंटी परसेंट तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा फॉर डीजल इंजन और थर्टी परसेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और इतना कम क्यों होता है पेट्रोल इंजन का तो अगर इसका रीजन पूछे तो क्योंकि इसका जो कंप्रेशन रेश

पिस्टन के अंदर जो पावर बनता है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर और जो आपका शॉफ्ट पे यानी कि यहाँ पे इंजन के शॉफ्ट पे जो आपका पावर जनरेट पहुँचता है वो कहलाता है आपका ब्रेक पावर तो ये पावर जो है हमेशा क्या होता है मैक्सिमम होता है ये आपका ज़्यादा होता है मैक्सिमम होता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये काफ़ी कम हो जाता है यानी कि मिनिमम हो जाता है तो ब्रेक पावर जो होता है किस इंडिकेटेड पावर से वो लेस देन होता है ठीक है तो बी करेक्ट आंसर होगा मान लीजिए यहाँ पर ये यह सौ वॉट बनाया पावर यहाँ तक पहुँचते पहुंचते नाइन्टी वॉट हो गया मतलब आपका टेन वॉट का जो है वो लॉस कंसिडर करते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इज कॉल्ड मैकेनिकल इफिशियंसी ओवरऑल इफिशियंसी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी या फिर आपका रिलेटिव इफिशियंसी तो रेशियो का मतलब क्या होता है डिवीजन ठीक है भाग करना तो रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी यहाँ पे लिख दीजिए इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी वो क्या कहलाएगा तो वो कहलाएगा आपका रिलेटिव इफिशियंसी तो डी करेक्ट आंसर होगा अगर यहाँ पे बात करें मैकेनिकल इफिशियंसी की तो मैकेनिकल इफिशियंसी होता है आपका ब्रेक पावर माइनस बटे इंडिकेटेड पावर ये किसके लिए है तो ये आपका मैकेनिकल इफिशियंसी के लिए है इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है अगला क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्स्टेंट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू सी पी बट ए सी वी सी वी बट सी पी सी पी माइनस सी वी या फिर आपका सी पी प्लस सी वी तो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्स्टेंट इसको फॉर्मूला क्या है तो आर इज़ इक्वल टू होता है सी पी माइनस सी वी यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द टर्म एन टी पी स्टैंड फॉर नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर नॉर्मल थर्मोडाइनमिक प्रेशर तो एन टी पी स्टैंड फ़ॉर एन टी पी का मतलब क्या होता है तो एन टी पी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेंज इन एंथेरेपी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड फॉर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर कांस्टेंट एंट्रोपी तो चेंज इन एंथेलपी चेंज इन एंथेलपी जो होता है किसी भी सिस्टम का वो क्या होता है जब आप हीट सप्लाई करते हो तो उस केस में आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर से होता है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट टू वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट थ्री वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट या फिर आपका नो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट तो देखिए एक होता है सॉलिड एक होता है लिक्विड और एक होता है आपका गैस लिख देता हूँ सॉलिड लिक्विड और गैस तो सॉलिड का कितना होता है वन होता है लिक्विड का कितना होता है वन होता है और, और गैसेस का कितना होता है तो टू होता है तो वन वन टू तो आपको इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा वन ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी डील्स विद रिवर्सिबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस ये स्टेट्स दैट इफ़ टू सिस्टम आर बोथ इन इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर या फिर डील्स विद हीट इंजन तो ज़ीरो स्लॉ जो है बेसिकली क्या बोलता है तो ज़ीरो स्लॉ बोलता है कि जब कभी भी आपका दो बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है यानी कि दोनों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और कोई थर्ड बॉडी इनके कॉन्टैक्ट में है तो वो भी उसके थर्मल इक्विपमेंट यानी कि वो भी उसके कॉन्टैक्ट में आने से बराबर टेम्परेचर हो जाएगा फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी और थर्ड बॉडी तो सी करेक्ट आंसर होगा तो हमारा वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू अगर वीडियो पसंद आया तो उसे जरूर लाइक करिए शेयर करिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अगर आपको इस वीडियो का फ्री